भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया, और रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, समृद्धि प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरता है। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान करता है। कितने मुखी? तीन मुखी। चार मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को प्रदान करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष उत्तम कार्य में सिद्धि प्रदान करता है। छह मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को बनाता है। सात मुखी रुद्राक्ष कोई भिखारी से भिखारी अगर व्यक्ति भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, अगर सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो गरीब भी अमीर बन जाता है, धनपति बन जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रमाण। आठ मुखी रुद्राक्ष रोग से मुक्ति देता है। ध्यान रखिए, एक आठ मुखी रुद्राक्ष और एक 11 मुखी रुद्राक्ष, ये दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में इनका एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर कर अगर पानी में डाल दिया जाए और पानी में डालने के बाद उस पानी को 21 दिन तक पिया जाए तो कैसा भी शुगर का पेशेंट होता है, रोग होता है, शक्कर वाला कोई भी रोग हो, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। आठ मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष, तो आठ मुखी रुद्राक्ष का आप मंत्र लिख लीजिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आठ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र शिव महापुराण में दिया गया है, सुंदर। ओम हूं, हा में ऊ की मात्रा और अम की बिंदी हूं, नमः। ओम हूं नमः, बोलिए जरा एक बार, नमः। ये आठ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र लिख लीजिए। ओम हीम हूं हीम, हा उके ऊपर ई की मात्रा, अम की बिंदी, हिलिंग। ओम हीम हूं, हा ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, हूं। नमः, बोलिए ओम हीम हूं नमः। ये दो मंत्र हैं, एक आठ मुखी का और एक 11 मुखी का। आठ मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों को इस तरह से हाथ में लेना है। आठ मुखी लेफ्ट हैंड में और 11 मुखी राइट हैंड में, दोनों को रख लीजिए। रात्रि को सोने से पहले दोनों मंत्र को बोलिए, एक साथ पानी के पात्र में डाल दीजिए, रात भर पानी को रखिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए, फिर उसको निकाल के रख दो रुद्राक्ष को, फिर दूसरे दिन वही क्रम करिए। 21 दिन तक ऐसा क्रम करोगे, धीरे धीरे शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। फिर शास्त्र तो यह तक कहता है कि फिर इसके बाद आप डॉक्टर को चेक करा सकते हो, और पानी भी खूब, शक्कर की मिठाई, लड्डू, गुलाब जामुन, तुम्हें जो खाना हो खा सकते, खूब खाइए। आजकल बड़ा विचित्र रोग हो गया ये शक्कर का है, बड़े से बड़ा सेठ खूब बड़ी बड़ी पार्टियां कराता है और मालूम पड़े छोरे की शादी में लड्डू ही नहीं खा पाता है, बड़ा विचित्र रोग है। दुनिया के लोगों को इतना खिला रहे पर खुद नहीं खा पा रहे, बड़ा विचित्र। तो सातमुखी लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, कैसा भी गरीब हो, कैसा भी भिक्षुक हो, दरिद्र से दरिद्र हो, सातमुखी रुद्राक्ष अगर पहन ले स्मरण कर कर, मंत्र जाप कर कर, तो निहाल हो जाए। आठ मुखी रुद्राक्ष रोग से मुक्ति प्रदान करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष वंश की वृद्धि करता है। दस मुखी रुद्राक्ष
घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द अगर कुछ रहता है तो दसमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दसमुखी रुद्राक्ष का ऐसा वर्णन किया गया कि नारी अपने उल्टे हाथ पर बाजू में दसमुखी रुद्राक्ष को 11 दिन तक बांध कर रखे। उसका मंत्र है दसमुखी रुद्राक्ष का, आप उसको लिख लीजिए। घुटने का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, आधा सीसी का दर्द, उसके लिए कहा गया दसमुखी रुद्राक्ष। दसमुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हलीम, हीम नहीं है, हलीम, ओम हलीम नमः, ओम हलीम नमः। आप बोलिए एक बार, ओम हीम नहीं हलीम, आधा ला का मात्रा ही है, हलीम, ओम हलीम नमः। ये दसमुखी रुद्राक्ष के लिए शिव महापुराण में वर्णन किया गया। सिर के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए, आप लोग कई लोग कुर्सियों पर बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि कष्ट होगा इसलिए बैठ रहे हो, नहीं तो नीचे बैठ सकते थे। पर कष्ट के, उस कष्ट से निवारण पाने के लिए दसमुखी रुद्राक्ष को हाथ में बांधना है इस मंत्र को बोलकर। और प्रयास करिएगा दिन में 5-6 बार अपने रुद्राक्ष को अपन सीधे हाथ से टच करें और मंत्र बोलें। अगर पुरुष बांध रहे हैं तो सीधे हाथ पर बांधेंगे और उल्टे हाथ से टच कर मंत्र को बोलेंगे। 5-10 दिन बांध कर देखो, अपने आप घुटनों में आराम लग जाएगा। फिर अगली बार जब कथा करने आएंगे तो नीचे बैठकर कथा सुन लोगे, पक्का है, ठीक है? तो मंत्र है ओम हलीम नमः, ये दसमुखी का। 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र आपको दिया जो कि रोग मुक्ति के लिए है। अगला जो वर्णन किया गया है 12 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर वालों के लिए होता है। जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता रहे उनको बराबर रखने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण करना चाहिए। उस 12 मुखी रुद्राक्ष का ऐसा वर्णन किया जाता है कि जिस कमरे में हम सोते हैं, जिस रूम में हम सोते हैं, जिस भवन में हम सोते हैं, उस भवन में या जिस अलमारी को हम टच करते हैं या जिस जगह पर हम रोज जाते हों, उस कमरे में इस 12 मुखी रुद्राक्ष को खुले में कटोरी में रख सकते हो। इस मंत्र को बोलकर रखिएगा, ओम क्रोम का कबूतर वाला, उसके ऊपर 2 मात्रा औ की और आधा क्रोम, ओम क्रोम छाछत्री वाला, उसके ऊपर औ की 2 मात्रा अम की बिंदी छोम, ओम क्रोम छोम रोम रा, फिर वही 2 औ की मात्रा अम की बिंदी रोम नमः। मंत्र पूरा बोलेंगे एक साथ, ओम क्रोम छोम रोम नमः। ये मंत्र ब्लड प्रेशर वालों के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड प्रेशर के लिए उत्तमता प्रदान करता है शिव महापुराण, क्योंकि भगवान शंकर की ही कथा में सब मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शिव मृत्युंजय देव हैं, महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत ले, रोगों से जो मुक्ति करा दे, जो सदा सफलता प्रदान करे, वो शिव है, वो शंकर है। 12 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन। फिर आया है 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाता है। जिसका व्यापार नहीं चलता, 4 दिन चला, 4 दिन बैठे हो, 4 दिन काम नहीं चल रहा, फिर बैठ गए हो, तो ये 13 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। इसका मंत्र अलग है। और फिर अगला आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को गले में धारण किया जाता है समृद्धि के लिए, विद्या के लिए और वैभव के लिए। 14 मुखी रुद्राक्ष, ऐसा रुद्राक्षों का यहाँ वर्णन किया गया है। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।